अब हम न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा और चीजें पढ़ेंगे। द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जैसे सेल की सेल मेम्ब्रेन थी, तो न्यूक्लियर की कौन सी मेम्ब्रेन है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन ये डबल लेयर्ड है, ये सिंगल नहीं है, ये कैसी है? डबल लेयर्ड। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। तो जैसे उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में हो रहा था या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में हो रहा था हमारे जो सेल की थी, उसी तरीके से एक न्यूक्लियर की भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें पोर्स, पोर्स का मतलब क्या होता है? छेद होते हैं, छेद होते हैं, विच अलाउज ट्रांसफर ऑफ द मेटीरियल। तो क्या अलाउ करते हैं ये? ट्रांसफर मेटीरियल का इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज। तो इनसाइड न्यूक्लियस से वो मेटीरियल को कैसे अलाउ करते हैं? बाहर की तरफ, दैट इज टू साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में अलाउ करते हैं बाहर की तरफ जाना, ठीक है? और साइटोप्लाज्म के बारे में अभी हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें पोरस वॉल्स होती हैं जिसमें छेद होते हैं जो अलाउ करते हैं मटेरियल को ट्रांसफर कहां से? न्यूक्लियस के इनसाइड से आउटसाइड, ठीक है? तो ये पोरस वॉल्स होती है। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या होते हैं न्यूक्लियस में? क्रोमोसोम्स, विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स। तो कैसे दिखते हैं ये? रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर की तरह दिखते हैं, ठीक है? क्रोमोसोम्स, ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, ठीक है? ये कब दिखते हैं ऐसे रॉड शेप्ड? जब जो है सेल डिवाइड होने वाली होती है। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स, विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड। तो जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो ये कैसे दिखते हैं? रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर की तरह। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन किसमें होती है? क्रोमोसोम्स में। यानी हम कैसे हमारी आईज का कलर होगा, कैसे हम दिखेंगे, क्या हमारे हेयर्स का कलर होगा, हम अपने माँ बाप जैसे दिखेंगे, हम अपने कैसे दिखेंगे, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है? वो इसमें क्रोमोसोम्स में होती है, ठीक है? इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस क्या होता है? कि हम अपने मम्मी पापा पे कैसे जाएंगे, ठीक है? इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो देखो क्रोमोसोम्स में क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स की, किसे? पेरेंट्स से, तो नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। किस फॉर्म में होती है? डीएनए के फॉर्म में। डीएनए, डीएनए का नाम सबने सुन रखा है ना, बहुत फेमस टर्म है डीएनए। डीएनए मैचिंग करी, ये करा। तो क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स में ही वो इंफॉर्मेशन होती है जो पेरेंट से अगली जनरेशन में जाती है। किसकी फॉर्म में होती है? डीएनए के फॉर्म में। और इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन कि हम कैसे दिखेंगे, हमारी आईज का कलर क्या होगा और डिफरेंट चीजें, ठीक है? क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं? डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स में क्या इंफॉर्मेशन होती है? कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सेल्स की, डीएनए में। तो डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। और डीएनए कहाँ था? डीएनए हमारा इसमें था, क्रोमोसोम्स में। और क्रोमोसोम्स कहाँ थे? तो न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। तो इसके जो पार्ट्स होते हैं, जो फंक्शन करते हैं, जो सारे काम करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? जीन्स। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, जो सेल डिवाइड नहीं हो रही थी, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। तो जो सेल डिवाइड नहीं होती उसमें कैसे डीएनए प्रेजेंट होता है? पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल के पार्ट के रूप में। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास थ्रेड, ठीक है? लाइक स्ट्रक्चर। तो कैसा दिखता है? जैसे एंटेंगल, बस टेढ़े मेढ़े मास होता है, क्या? थ्रेड के स्ट्रक्चर्स की तरह। तो क्रोमेटिन मटेरियल के मास की तरह दिखता है। व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जैसे ही सेल डिवाइड होने वाली होती है, द क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स। तो क्रोमेटिन मटेरियल किस में ऑर्गेनाइज हो जाता है? क्रोमोसोम्स में, डिवाइड होने से जस्ट पहले। वरना कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा थ्रेड की तरह, टेढ़े मेढ़े थ्रेड की तरह होता है ये मटेरियल। अब देखते हैं
द न्यूक्लियस प्लेस अ सेंट्रल रोल इन अ सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या करता है कि न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, रिप्रोडक्शन में, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स। तो हमने देखा था कि एक सेल डिवाइड होके दो, दो सेल्स डिवाइड होके चार सेल्स बनाती हैं। तो ये जो है इस प्रोसेस में न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल पार्ट किसमें, अलॉन्ग विद द एनवायरमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप। तो ये किसमें क्रूशियल पार्ट जो है वो करता है प्ले, कि जिसमें कि एनवायरमेंट के साथ सेल कैसे डेवलप होगी। ठीक है, एनवायरमेंट के साथ सेल कैसे डेवलप होगी, व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट मैच्योरिटी। तो जब ये मैच्योर हो जाएगी तो ये कैसे फॉर्म करेगी, बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो ये केमिकल प्रोसेसेस से जो है केमिकल छोड़ के डिफरेंट टाइप के केमिकल रिलीज करता है। तो केमिकल रिलीज से ये क्या करता है, ये पहली बात तो सेल के रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है कि कैसे वो डिवाइड होगी, दूसरा कि वो सेल कैसे डेवलप होगी अपने एनवायरनमेंट में और मैच्योरिटी पे कैसे बिहेव करेगी, व्हाट फॉर्म ये एग्जिबिट करेगी, कैसे करता है ये सब चीजें केमिकल एक्टिविटीज से, केमिकल एक्टिविटीज से ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया में द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जैसे बैक्टीरिया जैसे जो क्रिएचर होते हैं बैक्टीरिया, उसमें क्या होता है न्यूक्लियर रीजन, यानी न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस का रीजन क्या हो गया, न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड। तो अच्छी तरीके से नहीं पता चल पाता वो अच्छे से, क्यों, क्योंकि एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो क्लियरली हमें नहीं पता चल पाता कि ये पार्ट न्यूक्लियस है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड। तो जब इस टाइप का जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, केवल क्या होता है अंदर का पार्ट न्यूक्लिक एसिड, तो उसे क्या हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड भी होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और डबल वॉल्ड होती है। बट कुछ सारे जैसे ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया में केवल न्यूक्लिक एसिड होता है और न्यूक्लियर वॉल नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती, तो उसे क्या बोलते हैं न्यूक्लियोइड। सच ऑर्गेनिज्म हूज सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो उन्हें क्या बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो प्रो का मतलब प्राइमेटिव यानी इनिशियल और प्राइमरी। ठीक है, कैरियोट का मतलब, कैरियोट किससे आया, कैरियन वर्ड से या न्यूक्लियस, तो जिनका न्यूक्लियस बिल्कुल प्राइमरी इनिशियल स्टेज का हो। तो इनिशियल स्टेज के न्यूक्लियस में कोई वॉल नहीं होती, केवल क्या होता है न्यूक्लिक एसिड, तो इन्हें क्या बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म विद अ सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तो जिनमें जो है मेम्ब्रेन होती है वो क्या है यूकैरियोट्स, जिनमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है प्रोकैरियोट्स और जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यूकैरियोट्स। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो प्रोकैरियोटिक कौन सी सेल्स होंगी, जो प्राइमेटिव है, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो इसको अभी हम फिगर में देखते हैं 5.4 में। ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें ये अदर साइटोप्लाज्मिक जो ऑर्गेनेल्स होते हैं अदर, उसे भी लैक करते हैं। ठीक है, जो कि कहां मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स अदर, उसे भी ये लैक करते हैं। मैनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं वो कैसे परफॉर्म होती हैं, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स साइटोप्लाज्म के परफॉर्म करते हैं। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिलस।
तो जो क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में, वो किससे होता है? मेम्ब्रेनस वेसिकल्स, बैग लाइक स्ट्रक्चर से तो एसोसिएटेड होता है बट प्लास्टिड से एसोसिएटेड नहीं होता जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में होता है।